हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मेरा बागीचा में। दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि रेनी सीजन में आप ऐसे किन किन प्लांटों को लगा सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत फूल देते हैं, साथ ही साथ वो परमानेंट होते हैं और अपनी सुगंध भी देते हैं। दोस्तों, मैं लगभग 10 पौधों के नाम बताने वाला हूँ, उससे अधिक भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऐसे प्लांट है जो कि आप फ्लावरिंग तो किसी अन्य सीजन में देते हैं, अलग अलग, चाहे विंटर हो, समर हो या फिर मानसून हो, सब में अलग अलग देते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है आप इनको लगा सकते हैं केवल मानसून रेनी सीजन में। उससे क्या होता है कि कोई भी इस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं या फिर आप इसको बीज से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है एक जोरा को, ये देख रहे हैं, ये मेरे सामने मेरे हाथों में एक जोरा का प्लांट है। बहुत ही फ्लावरिंग होती है, समर में भी इसमें बहुत ही फ्लावरिंग होती है और उसके बाद मानसून रेनी सीजन में भी इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, इसमें कई वेराइटी आती हैं, ये मेरे पास लाल है, उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप पिंक है, इसमें पिंक वेराइटी भी आती है, और इसमें एक और वेराइटी आती है येलो कलर की वेराइटी हल्की सी, या फिर ऑरेंज कलर कह लें, वो ऑरेंज कलर की जो है कि वेराइटी आती है, इसकी अलग अलग वेराइटी आती है। इसमें जो है दोस्तों छोटी भी वेराइटी आती है, उसको भी लगा सकते हैं। तो एक जोरा एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट है, ये परमानेंट प्लांट है, इसको आप अपने गार्डन में इस मानसून में आप ज़रूर ऐड करें। दोस्तों, फूलों का राजा गुलाब, इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है और इसकी फ्लावरिंग से लगभग सभी जो है मोहित हो ही जाते हैं, और लगभग मैक्सिमम लोग जितने भी गार्डनिंग के शौकीन होते हैं वो लोग जो है कि अपने प्लांट में ज़रूर से ऐड करते हैं। दोस्तों, आप जो है कि इस प्लांट को लगा सकते हैं। दोस्तों, रोज़ के प्लांट को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी रोज़ की कलम अगर लगाते हैं तो बरसात में बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से वो कलम पकड़ लेती है, और उसमें आप चाहें तो बड ग्राफ्टिंग से या फिर ग्राफ्टिंग के माध्यम से आसानी से उसमें जो है आप किसी अन्य कलर के या रोज़ को ग्राफ्ट करके अलग अलग प्रकार की वेराइटी पा सकते हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें इस रेनी सीजन में। दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो फ्लावर है वो मोगरा का है, जिसको लोग जैस्मिन भी कहते हैं। ये जो है कि समर से फ्लावरिंग अपनी स्टार्टिंग करता है और उसके बाद पूरी रेनी सीजन ये जो है फ्लावरिंग देता रहता है। आप देख सकते हैं कि ये जो है कि गमले में ही लगाया है मैंने ये प्लांट, और ये प्लांट जो है कि काफ़ी बड़ा हो गया है, हर ब्रांच पर कलियाँ आई हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लग रहा है। दोस्तों, आप इसको भी रेनी सीजन में आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सुगंध के साथ साथ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। तो इसको भी आप ज़रूर ऐड करें दोस्तों अपने गार्डन में, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है और सुगंधित प्लांट है, अपनी खुशबू से लगभग सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, अगले नंबर पे मैंने जो है कि चांदनी की वेराइटी रखी है, ये चांदनी की मिनी वाली वेराइटी देख सकते हैं, जिसको पिन व्हील भी बोला जाता है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। मैंने इसको जो है कि अपने गमले में ही लगाया हुआ है और ये काफ़ी बूसी हो गया है, इसको आप कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाती है मानसून सीजन में। रेनी सीजन में इसको कटिंग से लगाना बड़ा ही आसान है, आप जो है कि इसके ऊपर की ये नरम वाली कटिंग ले लीजिएगा, उसके बाद इसको लगाइएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगी। दोस्तों, ये झाड़ीनुमा होता है, ये बूसी होता है और इसके पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं, साथ ही साथ इस पर जब इस तरीके की फ्लावरिंग आती है तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने इसको जो है कि अपने पोर्ट में ही लगाया है और ये जो है कि काफ़ी बूसी हो गया है, तो आप इसको भी रख सकते हैं अपने इस लिस्ट में, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है और इसको रेनी सीजन में आसानी से लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगले नंबर पर मैंने रखा है फुलमेरिया या चंपा को, आप देख रहे हैं कि ये मैंने केवल गमले में छोटे से पॉट में लगाया है और इसमें डबल ब्रांच आई है, और ये जो है कि फुलमेरिया काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये मैंने जो है कि लगभग 8 माह पहले लगाया हुआ था और बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे है ये, इस पर फ्लावरिंग भी आता है और इसके फ्लावर इतने सुगंधित होते हैं कि अपने
जितने भी आसपास के घर आंगन हैं, वातावरण है, सबको जो है कि मनमोहित कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत सुगंध देते हैं ये, भीनी भीनी सुगंध आती है इससे। और इसके फ्लावर जब आते हैं तो सुगंध से पूरा भर देते हैं घर आंगन। दोस्तों इसको भी आप अपने गार्डन में रेनी सीजन में लगा सकते हैं, क्योंकि एक परमानेंट प्लांट है। इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और इसके फ्लावर जब आते हैं तो इसके फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसको इस सीज़न में, रेनी सीजन में, आप ज़रूर से ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। दोस्तों अगले नंबर पे मैंने रखा है रंगून क्रीपर या फिर मधुमालती। यह जो है कि लता की तरह चढ़ती है, ये वाइन है एक तरीके की, और इस पर भी बहुत ही अच्छी खूबसूरत फ्लावर होते हैं। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जा करके। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये वाइन एक लता होती है, और इसमें बहुत ही खूबसूरत जो है गुच्छों में फूल आते हैं, और इसके बाद इसके सुगंध इतने ज़्यादा होते हैं कि अपने आसपास के वातावरण को ये महका के रख देती है। पूरा गुच्छों में फूल आता है इसमें। समर से लेकर के आप जो है इसमें मानसून के शुरुआत तक इसमें फ्लावर खूब आसानी से पा सकते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है और ये जो है कि अपनी पत्तियों से पूरा जो है छांव कर देता है अगर कहीं लगाते हैं आप। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं मधुमालती को। चलते हैं दोस्तों अगले प्लांट की तरफ। दोस्तों अगला प्लांट भी एक वाइन ही है जिसको नीलकंठ या फिर अपराजिता कहा जाता है। इसको भी मैंने यहाँ पे एक छोटे से पोर्ट में लगा के रखा है, और ये एक परमानेंट प्लांट है। वाइन होती है, इसकी लता जो है फैलती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस पर नीले और वाइट कलर दो तरीके की वेराइटी आती है इसमें। इसमें नीले कलर का फ्लावर आता है और वाइट कलर का भी एक नीलकंठ आता है या फिर अपराजिता आता है। तो इसको भी एक आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं इस मानसून में। इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है, और इसके सीड्स होते हैं, सीड्स के माध्यम से भी आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। रेनी सीजन में आप किसी भी सीड्स को या फिर कटिंग्स को आसानी से लगा सकते हैं, लगाना बहुत ही आसान है। ये एक परमानेंट फ्लावर है, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अगला ये जो प्लांट है, ये प्लांट जो है कि हरी श्रृंगार, या अब इसको जो है कि हरी श्रृंगार बोला जाता है, या फिर कहीं कहीं इसको परिजात भी कहा जाता है। यह भी जो है कि फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें भी सुगंध होती है, और इसके फ्लावर जो है केवल रात में खिलते हैं। सुबह होते ही जो है कि इसके फ्लावर ऑटोमेटिक गिरने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब ये रात में खिलते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी सुगंध आती है। इसके फ्लावर जो है कि वाइट और रेड कलर के, ऑरेंज कलर के होते हैं। इसको मैंने एक छोटे से पोर्ट में लगाया है, ये जो है कि घड़ा है छोटा सा, और देखिए काफ़ी अच्छे से ये सर्वाइव कर रहा है। तो आप अपने गार्डन में इस प्रकार के हरी श्रृंगार को या परिजात को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी करता है और सुगंध भी आता है। तो आप अपने इस रेनी सीजन में आप अपने गार्डन में इसको भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे मैंने रखा है क्रोन ऑफ थ्रोन यानी कि यूफोर्विया मिली को, कांटों का ताज भी कहा जाता है इसको। ये भी एक परमानेंट फ्लावर है जो कि समर से लेकर जो है कि विंटर में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है, समर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं, और इस पर जब फ्लावर आते हैं तो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप जाकर के मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें इस रेनी सीजन में। इसको कटिंग से लगा सकते हैं, कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है। तो आप इसको भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह भी एक परमानेंट प्लांट है और इसके जो फ्लावर होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके के इस समय फ्लावर आ रहे हैं। दोस्तों अगला प्लांट जो है कि विनका का है, जिसको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है जो कि हमेशा फ्लावरिंग देता रहता है। ठंडी में थोड़ी सी डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा केयर करें तो भी जो है कि अच्छे से ये फ्लावरिंग देता रहता है। इसमें सुगंध तो नहीं आती है उतनी, लेकिन इसके फ्लावर इतने खूबसूरत होते हैं कि हमेशा जो है कि खिलते रहते हैं। यही एक खासियत होती है। अगर थोड़ा सा ख्याल रखेंगे आप इसका, तो आप इसको जो है पूरे जो है मौसम, मानसून में, समर में, विंटर में जो है कि आप इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। दोस्तों इसमें कई सारे पैटर्न होते हैं, कई सारी वेराइटी होती है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और जो है कि इसको बीज से भी उगा सकते हैं। बीजों से लगाना काफ़ी आसान होता है। तो इसको आप अपने गार्डन में इस रेनी सीजन में ज़रूर से ऐड करें, कटिंग से भी ग्रो कराएं, और अगर सीड मिल जाए तो सीड से भी आप इसको ग्रो कराएं। इसमें कई सारी वेराइटी आती हैं। ये मेरे पास एक ये वेराइटी है, इसके अलावा देसी वेराइटी है जो कि इस कलर के फ्लावर आते हैं उस पर।
दोस्तों लिस्ट में अगले नंबर पे जो मैंने फ्लावर रखा है वो बोगनवेलिया को रखा है। ये जो है कि परमानेंट फ्लावर है, इसमें गुच्छों में इस तरीके से फूल आते हैं, इसमें कई सारे कलर भी होते हैं बोगनवेलिया में। आप इसको कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं, मानसून सीजन या रेनी सीजन में इसको लगाना बड़ा आसान होता है। मैंने इसको जो है कि एक साल पहले कटिंग से ही लगाया था और अब जो है कि इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मानसून सीजन में या रेनी सीजन में भी इस पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करें। दोस्तों मेरे पास सफ़ेद के अलावा ये जो है कि पिंक कलर की भी बोगनवेलिया है, इसको भी मैंने कटिंग से ही लगा के रखा है और आप भी ज़रूर ट्राई करें क्योंकि एक परमानेंट फ्लावर है और बहुत ही अच्छी इस पर फ्लावरिंग होती है बोगनवेलिया पे, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे मानसून में आप जो है कि बहुत ही सुगंधित फ्लावर रजनीगंधा को भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा ये रजनीगंधा कितना ब्लूम पे है, थोड़ा सा अगर केयर करेंगे आप तो बहुत ही अच्छी इस पर फ्लावरिंग पा सकते हैं। ये मीठी मीठी सुगंध देता है, मैं इसके पास खड़े होकर के इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बहुत ही भीनी भीनी सुगंध आ रही है इससे और बहुत ही मनमोहक सुगंध है, अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है ये प्लांट। दोस्तों आप इसको आसानी से बल्ब से लगा सकते हैं, मैंने देखिए ये बल्ब से लगाया हुआ था और काफ़ी ये बूसी हो गया है और उसमें से इस तरीके से काफ़ी कलियाँ निकल रही हैं और बहुत ही अच्छी ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो आप इस मानसून सीजन में, रेनी सीजन में आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड करें। ये एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, खुशबू भी बहुत देता है, तो इस प्लांट को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों इन सब के अलावा आप जो है कि गंधराज को भी ऐड कर सकते हैं इस सीज़न में, क्योंकि गंधराज में भी बहुत खुशबू आती है। फ़िलहाल मेरे गंधराज में अभी फ्लावरिंग नहीं आ रही है, लेकिन आप इसको आसानी से कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं अपने गार्डन में। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसके वाइट वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं और बहुत ही सुगंधित होते हैं, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और इसकी सुगंध तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत होती है, जो अपनी तरफ आकर्षित करती है और घर आंगन को भी महका के पूरा भर देती है। अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा ये प्लांट है, इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। दोस्तों इन सब के अलावा जो है कि आप अपने गार्डन में गुड़हल के फूल को भी ऐड कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हिबिस्कस कहा जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा एक प्लांट है, इसको परमानेंट प्लांट भी कह सकते हैं क्योंकि हमेशा फ्लावरिंग लगभग देता रहता है। मैंने इसको जो है कि अपने पोर्ट में ही लगाया हुआ है, एक छोटे से पोर्ट में, लेकिन थोड़ा सा केयर करके देखिए मैंने जो है कि इस पर इतनी सारी ग्रोथ पाई हुई है। अभी फ्लावरिंग नहीं आ रहा है इस पर क्योंकि मैंने रिसेंटली प्रून किया था इसको, अब इस पर फ्लावरिंग धीरे धीरे आने शुरू होगी। इस पर इसके प्लांट पे फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा आती है, तो ये एक परमानेंट फ्लावर है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो आप इसको जो है कि अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ यही प्लांट थे, कुछ प्लांट छूट गए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसी ढेर सारी गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, फिर कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।